सूर्य कुमार यादव के जीवन की दर्द भरी कहानी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सूर्य कुमार यादव जिस उम्र में अन्य क्रिकेटर संन्यास लेने की सोचते हैं, वहीं 32 साल की उम्र में सूर्य कुमार यादव ने अपना डेब्यू मैच खेला और सबसे ज़्यादा उम्र में डेब्यू करने वाले बल्लेबाज बन गए। जब सूर्य कुमार यादव ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला तो उनके सामने थे विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से गिने जाने वाले जोफ्रा आर्चर। अगर कोई और बल्लेबाज होता तो सामने अपना विकेट बजाने की सोचता, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर एक छक्का मार दिया, दिखा दिया कि वो सबसे बेस्ट और अपनी डेब्यू मैच में ही पहली बॉल पर छक्का मारने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो आइए जानते हैं सूर्य कुमार यादव की उसकी दर्द भरी ज़िंदगी के बारे में जो उन्होंने इस शान शौकत की ज़िंदगी से पहले बिताई थी। अगर आपको इनकी जीवन की कहानी पर लेख पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा प्रदर्शन आज सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं उसके हिसाब से यदि उन्हें भारतीय इंटरनेशनल टीम ने 10 वर्ष पहले ले लिया होता तो आज हम इतने बुरी तरीके से ICC के टूर्नामेंट में नहीं हारते, क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह के बाद नंबर 4 पर यदि कोई बल्लेबाज मैच बदलने का हुनर रखता है तो वह है सूर्य कुमार यादव। लेकिन सूर्य कुमार यादव की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही। आज से 12 साल पहले उन्होंने 2010 में रणजी ट्रॉफी के में 20 वर्ष की उम्र में रोहित शर्मा के साथ 73 रनों की मैच विनिंग पारी खेल मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था और साल 2011-12 में IPL के सत्र में मुंबई इंडियंस की तरफ से ताबड़तोड़ 754 रन एक सदी ने बनाए थे। लेकिन इतनी बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद IPL में जलवा और घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन नहीं मिला। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 31 साल की उम्र में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उस उम्र में जाकर हमारे सूर्य कुमार यादव को BCCI ने टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया। जब मुंबई के तमाम दिग्गज बल्लेबाज रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन के आधार पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया तो फिर मजबूरी में उनके पास कोई खिलाड़ी नहीं बचा और उन्होंने सूर्य कुमार यादव को मुंबई की रणजी कप्तान बनाना पड़ा। वहीं निराशा ने इतना पिसाई ही तक नहीं छोड़ा जब 2014 के बीच मैदान में शार्दुल ठाकुर से सूर्य कुमार यादव की लड़ाई हो गई तो 2015 में उन्होंने अचानक मुंबई की रणजी कप्तानी छोड़ दी। धीरे धीरे सूर्य कुमार यादव का दिल क्रिकेट से दूर होने लगा और वह इससे दूर जाने की सोचने लगे। जब भी 2016 में सूर्य कुमार यादव की शादी हुई और पत्नी देवी सनी सूर्या को पार्टी रखकर खेल पर ध्यान देने के लिए कहा। सूर्य कुमार यादव की किसी बड़ी फैमिली से नहीं आते। सूर्या की माँ सपना यादव हाउसवाइफ हैं और उनके पिता अशोक यादव भावा रिसर्च सेंटर में इंजीनियर हैं। सूर्या अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। चाहे कैसे भी हालात हों मैं से ठीक पहले माँ से फ़ोन में बात करके उनका आशीर्वाद लेकर ही मैच खेलते हैं। और फिर जैसे ही मैच खत्म हो जाता है सूर्य कुमार यादव फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाते हैं और अपनी सारी मैच की बातें उनको बताते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा घर से बाहर से लौट कर अपनी माँ को सब घटनाक्रम बताता है। सूर्या के पिता इंजीनियर हैं और वहाँ से ज़्यादातर बच्चे सब साइंटिस्ट और इंजीनियर बन गए। जब सूर्या के जिद से क्रिकेटर बनने का निश्चय किया तो लोग उनके माँ बाप को बहुत ताना दिया करते थे, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने अपने खेल से उन सभी लोगों का मुंह चुप करा दिया। लोग उनके माता पिता जी से कहते थे कि क्या बड़ा होकर इसे सचिन तेंदुलकर बनाएंगे, क्योंकि सूर्य कुमार का करियर बर्बाद करने पर तुले हैं। उसे पढ़ाई लिखाई करवा के ज़िंदगी बना लेगा, नहीं तो उम्र भर दर दर भटकते रहेगा। ऐसी ही बातें सूर्य कुमार यादव के माता पिता को जब तक वह 31 साल की उम्र तक नहीं पहुंच गए सुनते रहनी पड़ी। वह अपने माता पिता के आंसू देखकर बहुत दुखी होते थे।
और कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन मार्च 2021 में डेब्यू मैच के बाद टीम ने जगह पक्की करने के एक साल के भीतर दुनिया का नंबर वन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर बल्लेबाज बनकर उन्होंने सभी का मुंह चुप करा दिया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि निराशा के दौर में सभी लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मगर जिद से हमें मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। अगर कोई भी आपके आसपास कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है तो उसे नीचा कभी नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइए और बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।